अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है, थैंक यू। जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 कप के करीब कैरेट ले रही हूँ। देखिए ये झटपट से बन जाने वाली डिश है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कैबेज। मैं यहाँ पे चिकन ऐड करूंगी। मैंने चिकन को अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिया था। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर ले रही हूँ पाउडर फॉर्म में। देखिए मैं यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ पे मायो ऐड करूँगी, मायोनीज। देखिए यहाँ पे डन है। देखिए अब मैं लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट मैंने चिकन में भी ऐड किया था। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका बैटर रेडी कर लिया है। इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो इसके रोल हैं वो रेडी करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे स्लाइसेस ले लिए हैं, इनके कॉर्नर्स रिमूव कर लिए हैं और इनको यहाँ पे लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं रोल कैसे बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे इतना लेंगे इस हिसाब से, बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं करनी कि ये एकदम ब्रेक हो जाए बीच में से। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी मैदे की एक प्लेरी बना के रखी है, इससे मैं इसको स्टिक कर लूँगी, चिपका लूँगी यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे भी देखिए मैंने एक रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं तमाम ही रोल को रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे तमाम ब्रेड रोल रेडी कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। इसी पैटर्न से मैं बाकी भी रोल फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं इनका कलर, देखिए गोल्डन। देखिए ये झटपट से बन जाने वाली डिश है और आप इसे अफ्तार के टाइम भी रेडी कर सकते हैं और आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं।
लीजिए, यहाँ पे हमारे तमाम ही ब्रेड रोल रेडी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी डिश। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है।